सहदेव सिंह पुंडीर, विधायक सहसपुर। ये क्या हुआ आपके क्षेत्र में? ये यहाँ पर एक खाली प्लॉट में, जिसका प्लॉट है क्लोरीन के 7 सिलेंडर काफी समय से यहाँ पर पड़े हुए थे और जिसमें लीकेज हो गया है और काफी जो बड़ी घटना घटने का खतरा था, लेकिन अपने शासन और प्रशासन, अपने जो है SDM महोदय, ADM महोदय, कप्तान साहब और अपने जो है पुलिस प्रशासन के और अपने ग्राम प्रधान जी की सक्रियता, सबकी सक्रियता से NDRF SDRF की टीमें यहाँ पर मौके पर मौजूद हो गई और इस स्थिति पर कंट्रोल किया गया है। और लेकिन यह बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने अभी बात भी किया पुलिस प्रशासन से कि जिसके गैस क्लोरीन के सिलेंडर हैं उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब पुनरावृत्ति इस प्रकार की ना हो। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पुलिस प्रशासन का, सभी का, कि जिन्होंने मौके पर आकर इस चीज पर जो है नियंत्रण किया। रामजी शरण शर्मा, आपकी पद पे? मैं ADM देहरादून। सर ये क्या हो गया? ये क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है और इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि आंखों में इरिटेशन और थ्रॉट जो है वो लग रहा है, चोकिंग वाली स्थिति है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे इसकी सूचना प्राप्त हुई तो जो हमारे NDRF, SDRF, फायर की टीम, पुलिस प्रशासन के सभी लोग आए हुए हैं और इसको डिफ्यूज करने की कार्रवाई चल रही है कि किस तरीके से इसका जो इफेक्ट है वो कम से कम हो, ताकि आसपास लोगों किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अभी फिलहाल कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये चूंकि क्लोरीन ऐसी गैस है जो प्राणघातक गैस होती है बेसिकली, फिलहाल जो है इसको पानी के अंदर डाल दिया है और चूना डाल दिया गया है ताकि इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो खत्म हो जाए।